हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बारिश का महीना शुरू हो गया है, हर तरफ पानी पानी नज़र आने लगा है। गर्मी भी अब कम हो गई है और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से और एकदम नए नए किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे और आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय भी बचाएंगे और साथ ही आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएंगे। और पैसे बहुत कीमती होते हैं, जो अगर बचत होती है तो वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होती है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये हमारे हैं पुराने मोजे, जो कि लास्टिक ढीली हो जाती है तो हम अक्सर इनको फेंक देते हैं या पोछे के काम में लेते हैं या कुछ पोछने के काम में लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मोजे हमारे किचन में भी काम में आ सकते हैं। ये अचार का डिब्बा है और जब हम अचार निकालते हैं तो अक्सर अचार के बॉक्स पर जो है तेल लग जाता है या हमारे हाथों पर भी तेल लग जाता है। कभी कभी हमारे हाथों पर या कपड़ों पर तेल गिर जाता है। अगर बच्चे निकालते हैं तो बच्चों से भी अक्सर तेल गिरता है या अचार गिर जाता है, तो इस तरह से धब्बे भी पड़ जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा टिप्स बताऊंगी कि इस बारिश के मौसम में आप अपने अचार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही आपका अचार ख़राब नहीं होगा और आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही आपके हाथ गंदे होंगे। तो आप मोजे को लीजिए और आगे की साइड को उसको काट दीजिए और जहां पर लास्टिक होती है उस साइड को कीजिएगा ऊपर और इस तरह से अपने बॉक्स को मोजे को पहना दीजिए। तो देखिए, आपका जो बॉक्स है ना, उस ना तो वो हाथ से गिरेगा ना चिकना होगा। कभी कभी चिकना हो जाता है बॉक्स, हाथ से गिर जाता है, अचार फैल जाता है, बच्चे भी लेते हैं तो उनके हाथ से भी गिर जाता है। तो इस तरह से आप अचार को पुराने मोजे पहना कर एकदम सुरक्षित रखेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बॉक्स भी हो गया है और आपका अचार ख़राब नहीं होगा, आपके कपड़ों पे धब्बे नहीं पड़ेंगे और आपके जो पुराने मोजे हैं वो भी काम में आ जाएंगे। तो इस तरह से अपने अचार के बॉक्स को आप जो है मोजे काट कर पहना दीजिए। तो इस तरह से आपका जो बॉक्स है उस पर अचार चारों तरफ गिरेगा नहीं और आपके जो अचार है वो भी सुरक्षित रहेगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गीले हाथों से अचार को छूते हैं तो पानी की बूंद भी अचार के अंदर चली जाती है, इससे अचार हमारा ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम गीले हाथों से भी इस तरह से मोजा पहनाकर अचार के डिब्बे को छुएंगे तो हमारे हाथ जो गीलापन होता है वो अचार के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है अपने अचार को अच्छे से रखने का। इस तरह से पुराने मोजे भी काम में आ गए, साथ ही आपका अचार भी ख़राब नहीं होगा, ना आपके कपड़ों पे धब्बे आएंगे, ना ही अचार से तेल गिरेगा। कभी कभी इतना तेल गिर जाता है कि आसपास की जगह भी एकदम तेल जैसी हो जाती है। तो इस तरह से आपका अचार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मोजे अगर गंदे हो जाए उनको धुल के फिर से पहना दीजिए। देखिए कितने अच्छा सा टिप्स है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा और आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएगा। और कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, देखिए ये मेरा एक पैन है, इसका जो पीछे का जो हिस्सा है ये है तांबे का और इतना काला पड़ गया, कई बार इसको हमने साफ़ किया लेकिन साफ़ ही नहीं हुआ। फिर मैंने ये लिया विनेगर और विनेगर लिया, उसके बाद लिया मैंने बेकिंग सोडा, उससे मैंने इसको साफ़ किया तो एकदम साफ़ हो गया। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसको साफ़ करना है। तो मैंने इस पे डाल दिया है वाइट वाला विनेगर एक चम्मच, और विनेगर जो होता है बर्तन को अच्छे से साफ़ कर देता है, जो बर्तन पे कीटाणु होते हैं उसको भी साफ़ कर देता है। तो एक चम्मच विनेगर हम इस पर डाल देंगे, उसके बाद डाल देंगे एक चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हमारे बर्तनों से जो उनकी गंध होती है बर्तनों की, रखे रखे कभी कभी बर्तनों में गंध आती है, उसको भी दूर कर देता है और साथ ही बहुत साफ़ भी कर देता है। तो देखिए एक चम्मच डाल दिए मैंने विनेगर और एक चम्मच ही डाल दी बेकिंग पाउडर, और देखिए कितने बबल्स भी उठने लगे। इसको हम जूने से थोड़ा सा रगड़ेंगे और रगड़ते ही एकदम साफ़ हो जाएगा। कोई भी अगर आपके तांबे के बर्तनों में कालिक हो गई तो आप इस तरह से उसको साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये जूना लिया है और इस तरह से हल्के से इसको रगड़ते हुए साफ़ किया है। तो रगड़ते रगड़ते ये इतना साफ़ हो गया कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि ये पहले इतना गंदा था, पहले एकदम काला काला हो गया था। इसको कई बार मैंने ईंट से भी रगड़ा लेकिन साफ़ नहीं हुआ, और मैंने इस तरह से इसको ज़रा सा बस इसको ऐसे ही रगड़ा और इसके बाद इसको धुला तो एकदम साफ़ हो गया, जैसे मैंने अभी अभी ख़रीदा। हालांकि ये थोड़ा पुराना है, नया नहीं है, लेकिन इसकी जो चमक थी एकदम नए जैसी हो गई। तो आप भी इस तरह से तांबे का कोई भी तला हो उसको इस तरह से साफ़ कीजिए, देखिए बिल्कुल नया जैसा हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपको ईंट रगड़नी है या आपको स्टील का जूना रगड़ना है, बस ये दोनों चीज़ मिलाइएगा विनेगर और बेकिंग पाउडर और उसके बाद उसको धीरे से साफ़ कीजिए, एकदम साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, देखिए ये है खाली बोतल जो कि इधर उधर घूमती रहती है, हम लोग
कोल्ड ड्रिंक पीते हो फेंक देते हैं, लेकिन ये बोतल भी बहुत काम की होती है। साथ ही है ये सब्जी के फलों के छिलके। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई भी इसमें पैसा नहीं लगेगा और आपके पौधों की ग्रोथ एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो मैं पीछे की साइड से कटर से इस बोतल को काट दूंगी, थोड़ा सा ही काटना है, बोतल को हमें जुड़े रहने देना है, पूरा हमें काटकर अलग नहीं करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको काटकर अलग किया है कि थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है जुड़ा हुआ रह गया है। इसके बाद मैं जो इसका बोतल का आगे का हिस्सा यानी जो इसका ढक्कन है इसमें कर लेंगे हम एक सलाई को गर्म करके छेद। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें एक छेद कर लिया, आप सलाई गर्म कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं बताऊंगी कि आप अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद कैसे बना सकते हैं और आपका पौधा इतना बढ़िया हो जाएगा, आप सब्जी के जो गमले होते हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि सब्जियों के जो पौधे होते हैं उनके लिए खाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको इस्तेमाल किया। तो ये मैंने गमला लिया है, इसमें मैंने छोटे छोटे सब्जियों के पौधे लगाए हैं और एक मैं लूँगी खुरपी, खुरपी से हम थोड़ी सी इसमें बोतल को लगाने की जगह बना लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको जो मिट्टी है इसकी इसको थोड़ा सा अलग करके हल्का सा छोटा सा मैंने ये गड्ढा सा जैसे किया। इसके बाद मैं बोतल को उल्टी करके यानी जो उसका ढक्कन वाला साइड है उसको नीचे साइड करूँगी और इस तरह से इसमें लगा दूँगी, और लगाने के बाद जो मिट्टी हमने निकाली थी बाहर उसको इस तरह से दबा के हम बोतल को इसमें फिट कर देंगे, जिससे बोतल जो है बिल्कुल गिरे नहीं। और इसके बाद देखिए बहुत अच्छी सी खाद बनकर तैयार हो जाएगी, आपके पौधों को ना तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बस केवल इस तरह से आप अपने पौधों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बोतल को इसमें फिट कर दिया, थोड़ा सा मिट्टी से इसको दबा दिया है। फिर हमने ये जो ऊपर का साइड इसका काटा था उसको हम खोलेंगे, और जो भी हमारे छिलके हैं सब्जी के छिलकों में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छे और बहुत ही फ़ायदेमंद ये होते हैं। तो देखिए मैं सारे छिलके इस बोतल में भर दूँगी और धीरे धीरे ये हमारी ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी और हमारा जो सब्जी का पौधा है वो भी अच्छे से बढ़ जाएगा और उसमें बहुत अच्छे से हमारी सब्जी भी आएगी। तो देखिए मैंने सारे छिलके इसमें भर दिए हैं, इसमें कुछ फलों के छिलके हैं और कुछ सब्जियों के छिलके हैं। तो भरने के बाद देखिए हम इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे और इसमें ही हम पानी डालेंगे, हमें गमले में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमने बोतल लगाई है छिलकों वाली इसमें हम पानी दिया करेंगे, तो ये जो पानी है ये खाद बनके हमारे पौधों में लगेगा और इस तरह से हमारे पौधे खूब फल फूल वाले होंगे। आप फूलों के गमले में भी इसको लगा सकते हैं और सब्जियों के गमले में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी सब्जियों की ग्रोथ बढ़ेगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फिट किया हुआ, अगर हमें पानी देना हुआ तो हम इस तरह से इसमें पानी देंगे, तो हमें गमले में पानी देने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देखिए कभी भी आपको पानी देना हो इस तरह से तो आप केवल बोतल का ऊपर का इस तरह से ढक्कन हटाइए और उसमें पानी दीजिएगा, ये पानी खाद के रूप में आपके पौधों में लगेगा और आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक खाद भी बन जाएगी, इसको निकाल कर आप जो है और गमलों में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप अपने कई गमलों में इस तरह से बोतल लगाकर अपने छिलकों को डालिएगा और उसमें पानी दीजिएगा, आपके पौधे खूब हरे भरे होंगे और साथ ही सब्जी के पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। ये बहुत अच्छा सा तरीका है आपके पेड़ पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने का, और फूलों के पेड़ तो इतने ज़्यादा फूल देंगे कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने सारे गमलों में इस तरह से खाद का काम कीजिएगा, आपकी बोतल भी काम में आएगी, साथ ही आपको छिलका फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको सारे टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, राधे राधे।